I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Ma'am, what's my lucky number? Ma'am, क्या मेरा birth number मेरा lucky number है या मेरा destiny number मेरा lucky number है? किस number को से मैं ज़्यादा resonate करूँ, किस number को मैं अपना समझूँ, which number should I, you know, feel connected with? What are the lucky colors for me? You know what? Whenever I wear this particular color, I am always successful in whatever task I end up doing. Or whenever I have to face an interview, I prefer wearing this particular shirt or this particular sari or this particular suit because this is where I feel that's the most luckiest one. Or this is the lucky pen through which I write my exams and I am always successful with them. These are a couple of common comments that we hear here and there in our life. हम अक्सर सुनते हैं ना, isn't it? कि ये color lucky है मेरे लिए, ये color unlucky है. जब भी ये पहनता हूँ कुछ गड़बड़ होती है, या जब भी ये कुछ करता हूँ तो गड़बड़ होती है इस color में. आज की वीडियो आप उन सब लोगों के लिए है जो हमेशा ढूंढते रहते हैं मेरे लिए लकी नंबर कौन सा है, मेरा लकी कलर कौन सा है, मुझे उस लकी कलर को कितनी बार पहनना चाहिए, हाउ ऑफन शुड आई वेयर इट एंड विच ऑलवेज कैन आई यूज़ दैट कलर. सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग इन प्रिसीजन एज टू आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक, एंड आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया. इतनी बड़ी फैमिली ग्रो हो रही है जिस तरह से, और जो प्यार मुझे आप सब से मिल रहा है उन सभी चीज़ों के लिए. सबसे पहले तो आई थिंक जिसको नहीं पता कि मेरा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है, आई एम श्योर बर्थ नंबर सबको पता होता है. बहुत बार आप रेजोनेट करते हो वीडियो से या नहीं करते हो, तो आई ऑलवेज से एंड एवरी टाइम आई रिपीट, प्लीज़ लुक इन टू द फोर नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट. इन फोर नंबर्स में आपने क्या देखना है, इस बारे में मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाली थी. आपको अगर नहीं आता तो प्लीज़ उस चैनल उस वीडियो को देखिए एंड गो एंड लुक एट दैट वीडियो, अंडरस्टैंड, राइट डाउन योर फोर नंबर्स विच आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर नंबर्स इन योर लाइफ जर्नी एंड पैटर्न, बिकॉज यू विल बी हैप्पी, यू नो, रेजोनेटिंग विद दैम. So the ones who are aware of it, see, the best way out is your birth number and your destiny number. These are the two numbers which you are going to cater to most importantly. So destiny number is sum total of your date of birth, month of birth, year of birth, and then we bring it to one number. मैं एक example description box में दूंगी, please आप description box ज़रूर पढ़ा करिए because आपके आधे से ज़्यादा answers वहीं मिल जाते हैं. Now the next question is, which one do I follow? Should I follow this or should I follow that? Now in that case, I'll say follow both. Both vis-a-vis couple of times this and couple of times this. Because when we experience, say for example, I'll give you another example. आपके घर में अगर पांच मेंबर्स हैं, दो को दाल मखनी बहुत पसंद है और दो को दाल तड़का या येलो दाल या पीली दाल बहुत पसंद है, तो आप उससे रेजोनेट ये नहीं कर सकते कि जो इनको पसंद है वही इनको पसंद होगी, जबकि एक ही घर के लोग हैं, सदस्य एक ही घर के हैं, सेम पेरेंट्स, सेट ऑफ पेरेंट्स आर देयर फॉर द चिल्ड्रन, राइट. सो सिमिलरली ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स विद यू, व्हाट रेजोनेट्स विद यू. जो मैं ये चीज़ें बताती हूँ ये एक बेसिक जनरल चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा मतलब डेप्थ में जाके नहीं बताती, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक बर्थ चार्ट, एवरी पर्सन हैज़ गॉट अ यूनिक बर्थ नंबर डिस्क्रिप्शन. सो उस बारे में एक एक को यूनिकली देखना एक सेपरेट एस्पेक्ट है. दिस इज़ वेयर वी आर लुकिंग एट दी कॉमननेस. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, क्या सिर्फ कपड़े पहनने से ही हम उससे, यू नो, वी कैन गेट दी मोस्ट इम्पैक्ट from there only? No, there are lot of ways through which you can use the lucky colors for you. What are those ways? No doubt you can wear the dresses or you can wear the clothes for the same color. Second important thing, आपकी आप notebook है, diary है, आप उस color की use कर सकते हैं. आपका pen जो आप use करते हैं daily काम करने के लिए, उस color का pen use कर सकते हैं. अगर बाहर से पकड़ने भी वो color का pen है, wonderful. Writing में भी है उस color का, तो again I'll say good enough.
preferably I'll say the cover of the pen should be of that color, or should be, or most importantly, you can buy flowers from the market for that particular color, and you can, you know, have at your desk those colorful flowers, or you can have those, you know, the curtains could be of that color, the ambience could be of that color, the plants could be of that color, the decor could be of that color, the tablecloth and the cover could be of that color. So there are a lot of ways through which you can use these colors. Now, very important thing and a very important aspect and a point to note. अगर मैं आपसे बोलूँ आपका से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ नंबर थ्री वालों के लिए आपके लिए येलो ऑरेंज एंड पिंक बहुत या शेड्स ऑफ रेड बहुत अच्छा है तो दैट डजेंट मीन कि आप पूरे घर में सब कुछ वही कर दोगे इजेंट इट नो बिकॉज वो एक्सेस हो जाएगा एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ बैड सो वेन एवर यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट से फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए जाना है पेपर की तैयारी है आपको पेपर लिखने के लिए जाना है या आपकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए आप जा रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके लिए जा रहे हैं देन यू कैन यूज़ दोज कलर्स एंड यू कैन टेक द मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ दोज कलर्स हर रोज़ हर जगह हमेशा 24 hours उनके साथ घिरे रहेंगे दैट्स गोइंग टू बी बैड फॉर यू कैसे इसका एग्जाम्पल ये है अगर आपको मीठा पसंद है क्या आप ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों टाइम में नमक छोड़ के सिर्फ मीठा खा सकते हैं आप एक दिन के लिए तो कह दोगे हाँ मैं खा सकता हूँ लेकिन सेकेंड डे आपकी बॉडी क्या मांगेगी नमक मांगेगी सॉल्ट मांगेगी सोडियम मांगेगी राइट सो यू इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू ओनली यू नो हैव दैट पर्टिकुलर कलर इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज से कि आप ध्यान देना जिन जिन नंबर्स की मैं बात करूँगी और जो आपसे रेजोनेट करते हैं जब आप अपनी वार्डरोब खोल के देखेंगे तो आपको मैक्सिमम उस कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे हाँ बिफोर दैट अगर आपको ये लगेगा मैम आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बखान कर दिया नंबर तो जल्दी शुरू कर दे मैं अगर नंबर शुरू करती आपको शुरू में ही सब बता देती ना कि ये नंबर का ये कलर अच्छा है और ये कलर ख़राब है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते ही नहीं और पूरा नहीं देखते और फिर बाद में मुझे कमेंट लिख के कहते मैम मैंने तो सारा कुछ बदल दिया और उसके बाद तो उल्टा होने लगा सो दिस इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू दी एंड अंडरस्टैंड ऑल दी इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू यू Right now let me start with number one so all those who have first 10th or 28th as the date of birth ye date of birth ki baat kar rahi ho ya aapka destiny number mein total karke 1 aata hai to you are governed by sun so when I'm talking of sun all the shades of sun orange yellow golden these are the shades of sun ye sare colors aapke liye hamesha acche rahenge what colors you have to avoid black You have to avoid maroon. These are the two colors that you have to avoid. Black क्यों avoid करना है and maroon क्यों avoid करना है इनके लिए ये कि sun दिन का राजा है black रात में है रात के लिए तो दिन के राजा को जब अंधेरी रात आएगी तो उसको परेशान करेगी आप बिना बात के लिए अपनी उधेड़ बुन में बने रहेंगे एंड वेन एवर यू विल बी वेयरिंग दीज कलर्स यू माइट एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ यू नो अनसर्टेनिटीज इन योर थॉट प्रोसेस सो अवॉइड ब्लैक एंड अवॉइड मरून कलर नाउ आई मूव टू द सेकेंड विच इज़ द नेक्स्ट इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज सेकेंड 11th 20th और 29th और योर डेस्टिनी नंबर comes to number 2 in totality then you are governed by planet moon then you are governed by moon now when I am saying moon तो मून शीतलता का काम है मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया मून इज़ अ फेमिनिन एनर्जी मून इज़ द एनर्जी विच गिव्स यू लॉट ऑफ काम सो व्हाट आर द कलर्स दैट विल गिव यू लॉट ऑफ काम एंड हेल्प यू टू स्टे इन फोकस्ड इन योर वर्क वन इज़ वाइट ऑफ कोर्स ब्लू ग्रीन येलो And silver is also compatible. Yellow and silver are compatible. I'll not say great. Greatness mein blue and white and green are the ones which are the best ones for you. Kinko avoid karna hai? You have to avoid red and you have to avoid black. Again, I'll say yes, red and black. रेड को क्यों अवॉइड करना है रेड इज़ द कलर ऑफ फायर रेड इज़ द कलर ऑफ वॉर्म्थ एंड मून इज़ द कलर ऑफ शीतलता तो यानी आपने पानी के अंदर अग्नि डाल दी तो सोचो क्या होगा ब्रह्म इज़न्ट इट अवॉइड दीज कलर्स नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट वन नंबर थ्री द वंस हु हैव थर्ड और 12th और 21st और 30th एज द डेट ऑफ बर्थ और उनका डेस्टिनी नंबर थ्री वन सिंगल फिगर पे थ्री आता है दे आर गवर्न्ड बाय जुपिटर तो गुरुजी हैं गुरुजी के लिए तो कलर कौन सा है
हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, हम गुरु वंदना करते हैं, हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वो किस चीज़ के लिए? येलो इज़ द कलर फॉर देम. सो येलो, ऑरेंज एंड पिंक आर द कलर्स फॉर नंबर 3, विच इज़ जुपिटर. एंड ऑल्सो शेड्स ऑफ रेड ऑल्सो हेल्प देम, बिकॉज दे ऑल्सो, वो कहते हैं ना, तिलक, हम जब कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, केसर लगाते हैं, सो दैट इज़ ऑरेंजिश रेड, सो दैट कलर ऑल्सो हेल्प. सो वॉट इज़ नॉट टू बी वॉर्न, नॉट टू बी वॉर्न और अवॉइडेड इज़ ब्लैक, डार्क और वेरी डार्क ब्लू, टिपिकली दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. नाउ आई मूव टू द नंबर नेक्स्ट, नंबर 4. 4, 13, 22 एंड 31 जो नंबर्स हैं वो यूरेनस से गवर्न्ड होते हैं. उनके लिए बेस्ट कलर्स कौन से हैं, या फिर डेस्टिनी नंबर में टोटल नंबर 4 आता है, उनके लिए बेस्ट कलर्स हैं ग्रे, और उनके लक के लिए कलर ग्रे बहुत अच्छा है, और उनके लिए ब्लू के सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, राइट. एंड जो नहीं पहनना है, अगेन आई कम बैक टू ब्लैक, बिकॉज ब्लैक विल गिव देम लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन देयर हार्ट एंड माइंड, सो दैट दे शुड अवॉइड. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5, 14 एंड 23, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी है, या फिर जिनकी डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है, दे आर गवर्न बाय मर्करी, और मर्करी तो इज़ ऑल अबाउट ग्रीन. इनके लिए ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ लाइट ग्रीन, ग्रे इज़ फॉर अल्टीमेट सक्सेस. जिस दिन उन्हें कुछ करने के लिए सक्सेस चाहिए, उनको ग्रीन की बजाय ग्रे पहनना चाहिए, बिकॉज वो उनको उस टाइम अल्टीमेट सक्सेस देगा, एकदम से गो गेटर बनाएगा. उनको अवॉइड क्या करना है, उन्हें डार्क ग्रीन कलर अवॉइड करना है, जिसको मूंगिया रंग कहते हैं हम, दैट दे हैव टू अवॉइड, एंड ब्लैक कलर दे हैव टू अवॉइड. बिफोर आई मूव टू नंबर 6, मुझे अभी भी ध्यान आया दैट देयर वर कपल ऑफ कमेंट्स विच वर कमिंग एज टू मैम काजल भी हम ब्लैक लगाते हैं, मैम बिंदिया भी आपने भी तो ब्लैक लगा रखी है, ब्लैक टर्मोलिन भी तो पहनते हैं. ओके, अब क्या है जब हम काला धागा भी पहनते हैं, राइट. एक होता है नज़र बट्टू, एक होता है नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना. जब हम पूरी तरह से कपड़ों में कंप्लीट ब्लैक में होंगे, कंप्लीट, और वो कपड़े ब्लैक पहन के हम किसी नेगेटिव प्लेस पे जाते हैं, नेगेटिव मींस कहीं पे डेथ है, कहीं पे एग्नी है, कहीं कहीं परेशानी वाला माहौल है, देन दे अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ एनर्जीज. तो वो आप उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करके आते हो, एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग सर में दर्द रह रहा है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एंड स्टफ लाइक दिस. सो दिस इज़ वेयर दोज नेगेटिव एनर्जीज प्ले अ हैवॉक इन योर लाइफ. बट अगर आप सिर्फ काजल लगा रहे हो तो वो तो नज़र बट्टू है ना, ये ब्लैक बिंदी तो नज़र बट्टू है ना, राइट. सिमिलरली काला धागा एक नज़र बट्टू है, दैट मीन्स पूरे शरीर में नहीं जा रहा वो सब चीज़ें अपनी तरफ लेके, एंड वो ख़त्म कर रहे हैं, दैट इज़ वाई नज़र बट्टू लगाया जाता है. आपको बचपन में आई एम वेरी श्योर आपके पेरेंट्स ने काला टिक्का लगाया होगा कि नज़र ना लगे. क्यों? क्योंकि अटेंशन सारी इंसान से हट के उस बिंदी पे चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, बिंदी पे चली जाएगी, या आपके काले धागे पे चली जाएगी, या टर्मोलिन पे चली जाएगी. तो वो उससे जो आपके ऊपर पूरा इम्पैक्ट होना है, वो उस इम्पैक्ट की जगह एक छोटा सा कुछ होके ख़त्म हो जाएगा वहीं के वहीं. I hope you understand now. Next important number is number 6. So all born for 6, 15, 24 is governed by Venus. Yeah, number 6 last mein aata hai aapka total, sum total of the entire date of birth, which is your destiny number. The lucky color for you, colors for you is red, Lakshmi ji ka color hai, light blue and dark green. These are the colors for Venus. What you have to avoid is yellow. Now I move to the next number, which is number 7. So 7th, 16th and 25th are the ones which are governed by Neptune. And unke liye smoky brown bahut acha hai, grey green bahut acha hai, light yellow bahut acha hai, jisko hum cream kehte hain, wo color bahut acha hai, light blue bhi bahut acha hai. Unko bahut se, in fact 7 number walon ko dark color ke kapde nahi pehne chahiye, kyunki wo ek spiritual genre mein hote hain. Aap dekhoge jitne bhi guru hain, jo bhi religious spiritual heads hain, generally aap unhe white mein dekhoge, jaise Shri Shri Ravi Shankar ji ho gaye, itne sare log hain. आप जिनको भी देखोगे जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज कहलाते हैं, यू नो, इवन पोप्स, इवन द हेड्स ऑफ ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स, बिकॉज वाई वाइट कलर पहनते हैं या बहुत लाइट कलर्स पहनते हैं, ये कलर जो वाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट. सो एनी नेगेटिविटी विच इज़ अप्रोचिंग यू विल इमीडिएटली गेट रिफ्लेक्टेड, वो वापस वहीं चली जाएगी जहाँ से आई है. सो दिस इज़ वन रीज़न वाई दे प्रेफर वेयरिंग वाइट ऑल द टाइम. अदरवाइज ऑल्सो वाइट गिव्स अ लॉट ऑफ कामनेस, अ लॉट ऑफ पीस,
It's a color of lot of warmth. It's a color of lot of compassion. So this is the reason why white is worn. So generally, I'll say avoid black colors or avoid any dark colors. Or even red color उन्होंने नहीं पहनना चाहिए क्योंकि red is a fire energy and white is a calm energy, peaceful energy. तो आपका again वो clash आएगा. अब हम आते हैं नई नेक्स्ट नंबर पे, विच इज़ नंबर 8, 17 and 26, जो सैटर्न से गवर्न्ड है. सैटर्न इज शनि, शनि महाराज ब्लैक. तो क्या ब्लैक पहनना है? नहीं. क्या पहनना है? डार्क ब्लू पहनना है आपको. आपको ग्रे पहनना है, आपको डार्क ग्रीन पहनना है, आपको डार्क ब्लू पहनना है. आप येलो पहन सकते हैं क्योंकि सैटर्न इज़ ऑल्सो हाईली इम्पैक्टेड बाई जुपिटर. जुपिटर ऑल्सो गवर्न्स द वे सैटर्न, the way your Jupiter is, Saturn gets influenced through that. So this is the reason why it is important that you can even wear yellow. और आपको क्या avoid करना है? Actually आपको black avoid करना है, वो too much हो जाएगा आपके लिए. Red avoid करना है क्योंकि वो आपके वो फिर towards failures या problems add करेगा आपके लिए ये color. Now I move to the last one, and the last one is 9, 18 and 27, which is governed by Mars. या फिर आपका डेस्टिनी नंबर में 9 आता है तो आपके लिए रेड. आप तो वैसे ही फुल ऑफ पावर हाउस हो, आप फुल ऑफ एनर्जी हो, आप बहुत चर्पी और बबली भी हो और आपको लगता है बहुत कुछ करना, आप दुनिया बदलना चाहते हो पूरी की पूरी, राइट? सो आपके लिए, सिंस यू आर फुल ऑफ दैट लाइफ, जब आप वाइट पहनोगे हमेशा ध्यान रखना आप बहुत ग्लूमी फील करोगे. आप अपने आप को पेप्ड अप फील नहीं करोगे बिकॉज आपको ऐसे लगेगा आपके अंदर जो फायर एनर्जी है, जो आप काम करना चाहते हो, वो उसको ठंडे पानी से डाल दिया किसी ने. सो वॉट इज़ द कलर फॉर यू? कलर फॉर रेड इज़ गुड फॉर यू. क्रिम्सन रेड स्पेशली इज़ वेरी गुड फॉर यू. ब्राउन शेड्स ऑफ ब्राउन इज गुड फॉर यू. मरून के शेड्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए. आपको बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स नहीं पहनने चाहिए. So this was all about your colors, and I hope this video resonates with all of you. Please share with all your friends, jinko aapko lagta hai, the ones who refer to the colors because of so many rhymes or reasons. So thank you so much. God bless you. Lots of love. Stay blessed, stay abundant, stay happy and stay chirpy. Love you all.